अस्सलाम वालेकुम। हेलो लेडीज़, हाउ आर यू? आई होप आप सब घर पे ठीक ठाक होंगे, घर में सब खैरियत होगी। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था ब्यूटी एच के पेज से। मुझे इसकी चीज़ें बड़ी पसंद आईं और अफोर्डेबल प्राइस में थी। मैं चाह रही थी कि हम इसको अनबॉक्स करें, जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल किया कि जो चीज़ अच्छी है वो हम सबको पता होनी चाहिए, ताकि इस तरह के हालात में हम किस तरह अपने आप को कैरी कर सकें एक अच्छी रेंज में। ये बॉक्स मैं आप सबके सामने खोल रही हूँ। मैं 7 पेज शेयर कर दूँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विक्टोरिया सीक्रेट के लिप ग्लॉस से। ये लिप ग्लॉस है विक्टोरिया सीक्रेट का, ये मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। ये इसका शेड ऐसे आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट देता है जब ये लग जाता है। जैसे आप इस कलर को देख रहे हैं, ज़रा शाइनी भी है एज़ वेल मैट भी है, सो बहुत अच्छा लग जाता है जब ये लग जाता है। इसका सेकंड कलर जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरा फेवरेट कलर है, लाइट है और ये रेगुलर यूज़ में बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। ये कलर आप इसको बिल्कुल देख रहे हैं। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी। ये इसमें सीन्स की एक्सपायरी वगैरह भी बहुत अच्छे से मेंशन होती है। ये मैं ज़्यादा क्लोज़ करके बता रही हूँ ताकि आप सब देख सकें। इसका कलर ये मैं अप्लाई करके आपको बताती हूँ। आई होप कुछ इमेज आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, शायद ये अब क्लियर ज़्यादा हो जाए। ये इसका कलर इस तरह है। इसीलिए मैंने इसको कुछ, ये इसका कलर है। ये लिपस्टिक पैलेट मैंने वहाँ से मंगवाया था। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये पर्स में कैरी करना बहुत इजी होता है और इसमें सारे कलर्स बहुत अच्छे से हमारे पास हमारे सूट्स के साथ मैच करते हैं। ये देखें आप, इसके साथ हमारे पास बहुत अच्छी सी अपना ही ये मौजूद है, जिससे हम लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका कोई एक कलर आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके बताती हूँ, ताकि ये कुछ सेम शेड आ जाएगा जो मैंने ग्लॉस मंगाया है। सो आई जस्ट अप्लाई दिस वन, लाइट सा है। ये देखें कितना अच्छा बेबी पिंक सा ये शेड आ रहा है। तो शेड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये नज़र आ रहे हैं अप्लाई होकर, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। क्योंकि कई दफ़ा हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं, शेड नज़र आते हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत चेंज आता है। लेकिन मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट्स इनके बहुत अच्छे लगे। और ये एक मैंने ग्लॉस मंगाया था, ये दुबई की कोई ब्रांड है उसका है ये। इसमें आप देख रहे हैं अरेबिक मेंशन है और ये इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी मेंशन है और मैन्युफैक्चरिंग भी 2017 से 2022 तक ये है। ये अब क्लियर हो जाएगा आपको। मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। मेरे क्योंकि ये शेड मुझे चाहिए होते हैं, ये है हमारे रेगुलर यूज़ में, ये बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको, ये देखें, और लास्ट मेरे पास जो बॉक्स में चीज़ है, ब्लशॉन है।
ये मैं आपको खोल के बताती हूँ इसका कलर। ये देखें जी, अगर आप इसको डार्क रखना चाहते हैं, अगर आप इसको लाइट रखना चाहते हैं, सो आप बहुत हल्के सा इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है ऐसे, मैं जरा इसको लाइट यूज़ करती हूँ, मैक्स टर्न के नाम से है ये इसकी चीज़ें। और ये मुझे वहाँ से गिफ्ट आया था, मेरे बॉक्स में एक और चीज़ भी थी, आई शेड पैलेट था जो कि मेरी किसी रिलेटिव ने ऑर्डर किया था, तो मैंने उनको वो उसी तरह बॉक्स से खोले बगैर ही, क्योंकि ये हर चीज़ पैक थी, हर एक चीज़ एवरी सिंगल थिंग ये पैक थी, और मैंने उसको बॉक्स से खोले बगैर ही उन्हें दे दिया है। उसमें आई शेड पैलेट भी था और ये सारी चीज़ें जो आप बॉक्स में देख रहे हैं, ये मैं सारा दोबारा बॉक्स में रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें और एक आई शेड पैलेट जो मैं साथ नीचे कमेंट में शेयर भी कर दूँगी कि वो पैलेट कैसे था, ये सब चीज़ें हमने जब ऑर्डर की तो ये 1000 रुपीज़ के पैकेज में थी, 1100 टोटल, यानी कि आपको जो पैकेज डिलीवर होता है तो वो 1000 रुपीज़ का होता है, और 1100 की मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी और 200 रुपीज़ मैंने डीसी यानी चार्जेस दिए थे अपने डिलीवरी चार्जेस, और मुझे ये अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। आप उनके पेज का लिंक भी मैं शेयर कर देती हूँ, आप बेशक देख लें उनका लिंक, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वहाँ से ऑर्डर करें, और एज़ वेल मुझे कॉमेंट्स में बताएँ कि आपको चीज़ें कैसी लगें, और अगर आप ऑर्डर कर रही हैं तो भी आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।